बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। गांव के लोगों ने बहुत उपाय किए, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लोग फिर भी मरते रहे। उस गांव में एक महात्मा जी रहते थे। गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना महात्मा जी के पास जाया जाए और उनसे उपाय पूछा जाए। महात्मा जी ने कहा कि उनके पास इस चीज़ का उपाय है। महात्मा जी ने बताया कि गाँव के बाहर एक सूखा कुआं है। अगर अमावस्या की रात को गांव के हर घर से उस कुएं में एक लोटा दूध डाला जाए तो अगले दिन ही महामारी खत्म हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। गांव के लोग यह सुनकर खुश हो गए। सभी लोगों ने तय किया कि एक लोटा दूध उस कुएं में डाला जाए। अमावस्या की रात को सभी लोग जब लोटा दूध उस कुएं में डाल रहे थे, तभी उस गाँव के एक बूढ़े और कंजूस आदमी ने सोचा कि गाँव के सभी लोग तो एक लोटा दूध डाल रहे हैं, क्यों ना मैं एक लोटा पानी डाल दूं, जिसका किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर उस आदमी ने दूध की जगह एक लोटा पानी डाल दिया। अगले दिन भी लोगों का मरना जारी रहा, कुछ भी नहीं बदला। महामारी भी खत्म नहीं हुई। लोगों ने सोचा कि महामारी क्यों नहीं खत्म हुई। यह सोचकर सभी लोग कुएं के पास गए। सभी लोगों ने जैसे ही कुएं में झाँक कर देखा तो सभी के सभी हैरान रह गए, क्योंकि पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। उसमें एक बूंद भी दूध नहीं था। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और समझ गए कि महामारी क्यों नहीं खत्म हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बात उस बूढ़े और कंजूस आदमी के मन में आई थी कि सभी लोग एक एक लोटा दूध डालेंगे ही, अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, यही बात गाँव के बाकी लोगों के दिमाग में भी आई और सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाल दिया। दोस्तों, ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। जब हमें कोई ऐसा काम मिलता है जो बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, अक्सर हम लोग अपनी जिम्मेदारी से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही लेगा। हमारी यही सोच की वजह से सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहती है। अगर हम दूसरों की परवाह के बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएं तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।